में दो वीडियो मजा आ गया सर तो प्यारे बच्चों बहुत छोटा सा टॉपिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी विल नॉट गो इन डिटेल कारण की बुक होती है उसमें जब आपको हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ाया जाता है मैं यहाँ पर डाल देता हूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले, लो वाले हाइड्रोजन क्लोराइड सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं बोल रहे हो मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा वो भी समझाऊंगा लेकिन अभी आप इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड एच तो प्यारे बच्चों एक्चुअली क्या है एच जब आप पढ़ोगे तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो आप एच सी एल एच एफ एच बी आर एच आई के साथ पढ़ोगे इसकी एसिडिटी एच सी एल एच बी आर एच आई एच एफ के साथ पढ़ोगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं याद है हम लोगों ने जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन देखी थी तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथेल्पी एसिडिटी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका और ये सब कंपैरिजन में होता है तो वी डोंट हैव टू गो मच इन डिटेल क्योंकि हम इसके बारे में एक बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन हम लोगों को यहां पर यह पढ़ना है कि ये जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है ये बनता कैसे है किसने बनाया कैसे बनाया कौन सी रिएक्शन इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया जा सकता है और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है तो गाइस हम लोगों को बस वही यहां पर ध्यान रखना है ठीक है तो क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं चलो तो गाइस आज की क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत एक बेसिक सी बात छोटी सी बात मैं आपको पहले बता देता हूं दैट अप्रोक्सीमेटली नियर अराउंड 1682 एटी टू में या 1668 कुछ लोग बोलते हैं हम सिक्सटीन सिक्सटी एट लिख देते तो सिक्सटीन सिक्सटी एट में ग्लोबर या गोबलर इसमें ग्लोबर बोलते हैं इसको ग्लोबर में गोबर बोलता था ग्लोबर प्रिपेयर एच सी एल फ्रॉम द रियक्शन ऑफ एनएसएल विथ एच टू एसओ फोर ग्लोबर वो साइंटिस्ट थे वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार सबसे पहली बार लगभग सिक्सटीन सिक्सटी एट के आसपास ईयर ऊपर नीचे हो सकता है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ईयर से कोई लेना देना नहीं होता लेकिन ईयर मैंने इसे लिखा था अंदाजा लग जाए कि लगभग 1670 के आसपास की ये बात है जिस समय हमारे इंडिया में तानाजी वगैरह फाइट कर रहे थे शिवाजी राजे, शिवाजी राव राजे राजे ये लोग जब लड़ाई कर रहे थे उस समय का टाइम पीरियड रहा होगा मतलब आप समझ रहे हो कितनी पुरानी बात है तो ये इतने पुराने समय की बात है उस समय ग्लोबर नाम के एक पर्सन ने एच को प्रिपेयर किया था हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाया था NaCl की रिएक्शन करके किसके साथ एच टू एच फोर के साथ क्या चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों यहां तक की बात क्लियर हो गई तो ये बहुत पुराना केमिकल है इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट केमिकल लेकिन आप इसको देख रहे हो ई इस ससूरा इसका भी पुराना है इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं अगर आपको याद हो तो पी ब्लॉक ग्रुप 16 के अंदर इसको अपने किंग ऑफ केमिकल बोला था याद है तो देखो वैसे सिक्सटीन सिक्सटी भी नहीं जहां तक मुझे याद आ रहा है ये लगभग 1648 के आसपास की बात होनी चाहिए तो ये मतलब ये बहुत पुरानी बहुत पुराने समय की बात है ठीक है अब देखो इन्होंने किया क्या था मैं आपको यहीं पर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझा रहा हूं हाथ वी विल नॉट वेस्ट टाइम हम यहीं पर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझेंगे इसको दो स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है प्यारे बच्चों इसको दो स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है स्टेप नंबर वन ध्यान से देखिएगा स्टेप नंबर वन को बोला जाता है सॉल्ट केक प्रोसेस क्या बोलते हैं पहली स्टेप को इट कॉल्ड सॉल्ट केक प्रोसेस सॉल्ट केक नमक का एक केक बन जाता है केक मतलब वो खाने वाला केक कैसा होता है गोबर गोबर जैसा कड़क वैसा बन जाता है केक गोबर जैसा क्या बोल रहे हो गोबर को भी केक बोलते हैं है ना डंग केक ऐसा कुछ तो केक मतलब एक थक्का जम जाना ऐसा गोल गोल ऐसा केक जैसा स्टेक बन जाना तो क्या होता है प्यारे बच्चों जो रॉक सॉल्ट होती है जो समुद्र से रॉक सॉल्ट मिलती है यानी कि एन उसका ट्रीटमेंट एच टू एस ओ फोर के साथ किया जाता है तो यहां पर क्या होता है यहां से एच यहां से सी को लेकर एच बना देता है लेकिन बचा हुआ एन और बचा हुआ एच एस ओ फोर सॉल्ट केक बना लेता है इट फॉर्म्स अ सॉल्ट केक यह स्टेप नंबर वन हो जाती है देन स्टेप नंबर टू अच्छा यहां पर ध्यान रखेगा इसको अप्रोक्सिमेटली फोर ट्वेंटी पर हीट करना होता है देन आपकी स्टेप नंबर टू के अंदर क्या करना होता है हमें स्टेप नंबर टू को बोलते हैं क्राफ्ट प्रोसेस कौन सी प्रोसेस क्राफ्ट प्रोसेस क्राफ्ट प्रोसेस के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं यह वाली जो रिया स्टेप है ना इट इज प्योरली एंडोथर्मिक इस स्टेप को क्या बोलते हैं प्योरली एंडोथर्मिक मतलब आसपास जिस वेसल में जिस बीकर में जिस बर्तन में करोगे वो पूरा ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये सारी हीट पहली वाली रिएक्शन अंदर अब्जॉर्व कर लेगी एक्चुअली क्या होता है ये जो एन है ना ये केक बना लेता है ऐसा एक टुकड़े जैसा था पत्थर जैसा एक केक बना लेता है इसलिए इसको सॉल्ट केक प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि सॉल्ट के एसिड के साथ रिएक्शन करने पे केक बन रहा है इसलिए साल्ट केक प्रोसेस अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था फिर उठाया जाता है एनए और अब इसको इस केक के साथ ट्रीट किया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर नियर अराउंड एट ट्वेंटी तो अब यहां पर क्या होता है ये Na और ये एन एन ए और एक एसओ फोर तो ये बन जाता है एन और यहां से एच और यहां से सी एच बन के बाहर हो जाता है तो ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर दो प्रोसेस के अंदर यानी कि साल्ट प्रोसेस साल्ट केक प्रोसेस के अंदर आपको साल्ट केक मिलेगा फिर उसको क्राफ्ट प्रोसेस में अच्छे खासे टेम्परेचर पर हीट करोगे तो आपको एच मिल जाएगा यही कुछ प्रोसेस ग्लोबर ने भी की थी सिक्सटीन के आसपास और एच प्रोड्यूस किया था प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बताऊं पुराने जमाने में एच को म्यूरेटिक एसिड बोला जाता था अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने शुरुआत में बात भी की थी कुछ म्यूरेटिक एसिड नाम इसको रखा जाता था लेकिन बाद में लगभग 1810 के अंदर डेवी करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लेन उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट हाइड्रोजन क्लोराइड दैट हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन और इसीलिए इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड रखा जाना चाहिए एंड देआर मस्ट बी नेम्ड एस हाइड्रोजन क्लोराइड भाई न्यूरेटिक एसिड कब तक बोलेंगे ये तो कॉमन नेम है और कॉमन नेम हर किसी को याद थोड़ी रहता है लेकिन हाँ अगर हमको उसका फॉर्मूला एच पता है तो हम उसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते तो डेवी का बिल्कुल सही कहना था कि ये जो कंपाउंड ग्लोबर ग्लोबर ने 1648 में इतने साल पहले बनाया था और जो लोग इसको सालों से म्यूराटिक एसिड एसिड बोल रहे हैं ये गलत है क्योंकि ये जो कंपाउंड है जो ग्लोबर ने बनाया था ये दो एलिमेंट से मिलकर बनाया हाइड्रोजन और क्लोरीन तो इसका नाम होना चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड तो प्यारे बच्चों ये सारी एक बेसिक बात हो गई आपके एच के बारे में एक बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है बस ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है और उसकी पहली स्टेप एंडोथर्मिक होती है ये पूरी रिएक्शन ही देखा जाए तो एंडोथर्मिक होती है इस बात का जरा ध्यान रखना फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो चलो बहुत बढ़िया अब प्यारे बच्चों आपके मन में सवाल आया क्या कि सर आपने एच को हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं लिखा तो वो आपको बताऊंगा रुको जरा सबर करो रुको जरा बस उसी पर आ रहा हूं एंड प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट है, करते हैं कंबाइन पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टीज फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के इस टॉपिक को खत्म करेंगे एंड इंटर एलोजन कंपाउंड अगले वीडियो में कंप्लीट करके ऐसी की तेजी कर देंगे इसकी चलो सबसे पहली बात दैट इट इज अ कलरलेस सीओ एल ओ क्या लिख रहा हूं मैं सी ओ एल ओ आर कॉलर लेस गैस इट इज कॉलर लेस गैस दूसरी बात एक बड़ी अजीब सी पंजेंट सी स्मेल होती है इसकी इट इज़ अ पंजेंट स्मेलिंग गैस इट इज़ अ स्मेलिंग गैस तीसरी बात इसका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो बहुत कम आता है यानी कि 189 केल्विन सब अब आप सोचो जीरो डिग्री सेल्सियस होता है 273 सेवेंटी थ्री और ये 189 है 273 से भी लगभग 100 कम 100 तो नहीं थोड़ा सा 90 कम मतलब माइनस नाइनटी के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है और अगर, अगर अपन इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जम जाता है अगर आप इसको सॉलिडिफाई करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म का सॉलिड बनेगा इट विल फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लेकिन वो कब बनेगा वन फिफ्टी पर माइनस के भी नीचे अगर आप टेम्परेचर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा सॉलिड बन जाएगा ठीक है नाउ गाइस फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वॉटर एंड गेट्स आयोनाइज इन वॉटर वॉटर के अंदर जाकर यह क्या हो जाता है आयोनाइज हो जाता है और अब एक बात देखो अब यहां से कहानी शुरू होती है जैसे ही आपका एच पानी के साथ रिएक्शन करेगा ये आयोनाइज होगा और एच प्लस बनेगा लेकिन प्यारे बच्चों एच प्लस तो प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन तो हाईली अनस्टेबल होता है तो ये प्रोटॉन वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव बनाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन क्या बना लेता है हाइड्रोनियम आयन और जब हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और यहां पर क्या बन जाता है नेगेटिव इस रिएक्शन की के ए वैल्यू टेन टू पावर सेवन आती है यानी कुछ लोग इसकी पी के वैल्यू अगर जानना चाहे तो वो माइनस सेवन आती है और मैं आपको बता चुका हूं पी के ए वैल्यू जितनी ज्यादा लेस पी के ए वैल्यू होगी सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होगा सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होगा जितनी ज्यादा कम पी के वैल्यू होगी और माइनस सेवन होने का मतलब क्या होता है माइनस सेवन होने का मतलब होता है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमेशा ध्यान रखना एच जब तक पानी के साथ नहीं जाएगा एसिडिक नहीं बनेगा तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे एच सी एल बिकम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओनली वेन इट आयोनाइजेस इन वाटर और जब वॉटर में हाइड्रोनियम आयन बनता है तो यही ताकत रखता है H+ प्लस आयन सामने वाले को देने की तो ये वॉटर के साथ जाकर ही एसिडिक होता है अगर आपके पास में एच सी एल गैस है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी वो एक नॉर्मल गैस है उसमें कोई एसिडिटी वेसिडिटी नहीं होती लेकिन अगर आपने उसको पानी में मिला दिया तो फिर उसके के की वैल्यू टेन टू तो दावर सेवन आ रही है मतलब पी के, के का मतलब का और पीके में क्या फर्क है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का तो आपको देखना पड़ेगा कि एच थ्री और पॉजिटिव का क्या एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है का क्या एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है एच का क्या है और एच का क्या है जब आप इसके कॉन्स्टेंट की वैल्यूज निकालोगे तो आपको यह वैल्यू मिलेगी टेन टू दावर सेवन ठीक है और जब आपको पी के ए वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा नेगेटिव बेस लेना पड़ेगा किसका के तो और पी के में क्या डिफरेंस है नेगेटिव लॉग का इसलिए आपको पीके ए की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी नेगेटिव तो टेन टू दी पावर सेवन का नेगेटिव लॉग माइनस सेवन हो जाता है तो बहुत ईजी हो जाएगी ये चीज तो प्यारे बच्चों ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि एच मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ाया और हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका एक टाइप है कब जब यह पानी में घुल जाएगा तब वो एसिड बनेगा ऐसे एसिड नहीं होगा वो गैशियस फॉर्म में -फट ठीक है जरा इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया चलो अब थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चल चलते हैं वैसे ये एसिडिटी से केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हो गई है और बस आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो मेरे ख्याल से एच इस बार हट गया है पर जेई नीट में इसके पी के और के वैल्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं थो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चलिए सिक्स केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्शन विद अमोनिया रिएक्शन विद अमोनिया बेटा हम लोग सब जानते हैं अमोनिया एक प्रकार का लुइज बेस है अमोनिया एक टाइप का लुइज बेस है क्योंकि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इट तो एक्ट एज अ बेस और जब एच सी एल आ जाएगा जो कि एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो एन एच सी कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी ये बन जाएगा एनएच फोर सी एल यानी कि अमोनियम क्लोराइड तो हमेशा ध्यान रखना अमोनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट आपको अगर मिल रहा है तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन हो रही होगी बहुत इजी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है सेवेंथ पॉइंट आप लोगों ने क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा एक वर्ड आता है एक्वारेजिया या इसको रॉयल वॉटर भी बोला जाता है तो व्हाट इज एक्वारेजिया रॉयल वॉटर देखो प्यारे बच्चों तीन ऐसे मेटल्स होते हैं दैट इज योर सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम यह आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे लोअर पोजीशन पर आते हैं दैट मींस दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल और इसीलिए इनको ऑर्नामेंट्स में गहनों में अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है ताकि ये कोरोजन ना हो इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो एसिड के साथ रिएक्शन ना हो किसी एल्कली के साथ रिएक्शन ना हो तो ये जो आपके तीन मेटल हैं ये किसी भी एसिड हो भले ये H2SO4 हो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा HOF जितने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करेगा क्यों क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं तो अब भैया अगर मान लो इन मेटल्स को पिघलाना है इन मेटल्स को प्यूरीफाई करना है तो उसके लिए इनको एसिड की तो जरूरत पड़ेगी तो एक ऐसा एसिड बनाया सो so एक एसिड बनाया मिक्सचर सो अ मिक्सचर ऑफ एच सी एल एन एच एन ओ थ्री इन थ्री इज वन रेशो इल्ड एज एक्वारेजिया इसे क्या बोला जाता है एक्वारेजिया यानी कि अगर आपके पास में 750 सौ 750 एम अगर आपके पास में एच है तो 250 फिफ्टी आपके पास में एच होना चाहिए कैसे बनाया मैंने देखो सेवन फिफ्टी एम एल इस टू 250 ml ये आपके पास में HCl होना चाहिए ये आपके पास में HNO3 होना चाहिए तो ये हो गया ना 1:3 का रेशियो तो ऐसे रेशियो में हमेशा एक्वारेजिया बनाया जाता है और अब ये एक्वारेजिया कैपेबल होता है सिल्वर गोल्ड जैसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल को भी अपने साथ रिएक्शन करवाने के देखो कैसी रिएक्शन कराएगा मैं यहां बोर्ड पे कराता हूं आप लोग भी सीखो देखो पहले लिखो गोल्ड फिर लिखो प्लैटिनम 1:3 बोलो एक का तीन एक का तीन जल्दी बोलो एक का तीन 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 एक गोल्ड का तीन प्लेटिनम एक गोल्ड का तीन प्लेटिनम गोल्ड से ज्यादा महंगा प्लेटिनम होता है इसलिए एक का तीन एक का तीन एक का तीन चलो ठीक है सर आगे बढ़ो फिर यहां लिखो फोर मोल्स ऑफ एच प्लस एक का चार चार जल्दी बोलो एक का चार चार यानी कि सोलह मोल्स एच प्लस एक का तीन एक का चार एक का तीन एक का चार तो यहां चार लेंगे तो यहां कितना आएगा सोलह फिर फिर अब यहां पर अपने को चाहिए प्लेटिनम के साथ क्लोरीन तो यहां पर आपको चाहिए AuCl4 फोर तो फोर सी एल नेगेटिव यहां पर आपको चाहिए एटीन सी एल नेगेटिव यहां पर आपको चाहिए एटीन सी एल नेगेटिव क्या यह बात समझ में आ गई यहां तक किसी भी तरीके की को कोई दिक्कत नाउ यहां पर आपको NO3 अब NO3 में से NO तो दो तो यहां पर चाहिए आपको NO3 नेगेटिव भाई HNO3 होता है ना आपके एक्वारेजिया में तो NO3 नेगेटिव भी आना चाहिए Cl नेगेटिव भी आना चाहिए और इनके एसिड से निकलने वाला H+ भी आना चाहिए तो यहां पर आपके पास में 16 है तो आपको यहां पर 8 NO3 चाहिए नहीं 8 नहीं 4 NO3 चाहिए 4 3 12 चार ये रख लेगा 8 इसको दे देगा ठीक है तो ये आपको बैलेंसिंग समझ में ही क्या क्या लिखा मैंने देखो एक बार आप जरा इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लो थोड़ा सा इसको नीचे ले देता हूं प्रोडक्ट की जगह नहीं बची हां तो एक का तीन तीन प्लेटिनम एक का चार यानी कि फोर एच प्लस अट्ठारह सी एल नेगेटिव और फोर एनओ थ्री नेगेटिव अब देखो यहां पर क्या होगा ये गोल्ड इस क्लोरीन के साथ जाकर ए यू सी एल फोर नेगेटिव बना लेगा डिजॉल्व हो गया गोल्ड ने डिजोल्व होकर क्या बना लिया सॉल्ट अब यहां पर चार हाइड्रोजन है तो यहां से दो ऑक्सीजन लेकर ये H2O बना लेगा चार हाइड्रोजन यूज होगा दो ऑक्सीजन यूज होगा अब यहां पर क्या बचा एनो no, ये बन गया एनो no, काम खत्म पैसा हजम बोलो तारा रारा यहां पर देखो तीन प्लेटिनम है अट्ठारह है क्योंकि एक प्लेटिनम क्लोरीन के साथ जुड़कर PTCL6 डाई नेगेटिव बना रहा तो ये ये और ये और बैलेंस हो गया अब यहां पर 16 हाइड्रोजन है तो मैं 8H2 लिखता हूं और यहां पर 12 में से मैं 8 ऑक्सीजन निकाल लेता हूं तो ये हो गया अब यहां पर चार ऑक्सीजन बचे तो चार एनो आपके पास में बच गया ये रिएक्शन हो गई कुछ भी नहीं है रिएक्शन बहुत ईजी रिएक्शन है तो ये इस तरीके से एक्वाजिया वाली रिएक्शन आपको करनी है मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो प्लेटिनम और गोल्ड जैसो को अपने साथ रिएक्शन कराने के लिए आपको एच और एच की जरूरत लगती है ठीक है मेरे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको बस नंबर याद होने चाहिए रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी बहुत इजी है ठीक है चलिए अब यहां पर लास्ट पॉइंट हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं चलो लास्ट पॉइंट ये इतना खतरनाक एसिड होता है यह इतना खतरनाक एसिड होता है कि जो वीक एसिड्स होते हैं वीक एसिड कौन सा जैसे कि एच टू एसओ थ्री तो एच टू एसओ थ्री से बनता है Na2SO3, टू एसओ थ्री एच सी ओ थ्री और Na2CO3, टू सी ओ थ्री देखो वीक एसिड की कैटेगरी में कौन आ गया एक तो तुम्हारा एच टू थ्री कार्बोनिक एसिड और एक तुम्हारा एच टू थ्री ये दोनों क्या है तुम्हारे वीक एसिड तो प्यारे बच्चों वीक एसिड से वो वीक सॉल्ट बन जाएंगे एन ए टू एसओ थ्री किससे बन जाएगा एच टू एसओ थ्री से और एन एच सी ओ थ्री और एन ए टू थ्री बन जाएगा इससे तो इन लोगों को बोला जाता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स ये क्या है वीक एसिड से बनने वाले सोल्ट हैं तो जो वीक एसिड से बनने वाले सॉल्ट हैं अगर इनके सामने आपका गुंडा आ जाए कौन है आपका गुंडा HCl. तो ये गुंडा क्या करेगा देखो ये गुंडा यहां से दो क्लोरीन इस दो सोडियम को देके टू एन एल बाहर भगा देगा फिर ये गुंडा क्या करेगा इस एसओ थ्री में से एक ऑक्सीजन खींच लेगा और अपने दो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देके वाटर बना देगा एसओ टू गैस बाहर भगा देगा यहां पर ये गुंडा क्या करेगा? दो एच और एक ओ लेकर एच टू ओ बना लेगा ये सी एल और ये और को लेकर एन एल बना लेगा अब क्या बचा सी और दो ऑक्सीजन तो ये गैस बनकर बाहर भगा देगा फिर यह गुंडा क्या करेगा क्या गुंडा बनेगा रे तू तो? दो क्लोरीन दो एन ए के साथ मिलकर दो एन ए सी एल बना लेंगे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेकर फिर वॉटर बना लेंगे और बचा सीओ टू बाहर उड़ जाएगा तो प्यारे बच्चों ये इस तरीके से वीक एसिड के सॉल्ट को सॉल्ट वॉटर और गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है ये इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है तो प्यारे बच्चों ये कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज इतनी हमारे काम की है हाइड्रोजन क्लोराइड की यहां पर हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होता है खत्म मैंने प्योरली इसको एनसीईआरटी के ऊपर पढ़ाया है इसको मैं डिटेल में लेके नहीं गया हूं जिसको ले जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी अब बस एक लेक्चर और बचा है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या इंटर हेलोजन कंपाउंड इंपॉर्टेंट तो वो अगला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है इतना एक बार नोट कर लो कॉपी में होना चाहिए पढ़ा हुआ होना चाहिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं तो अगले वीडियो में बात करेंगे इसके आगे की दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो बाय बाय हैव अ ग्रेट डे